नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको आलू के पापड़ बनाना सिखा रही हूँ, तो चलिए मेरे साथ। आलू है जिसको हमने कुकर में बॉईल कर दिया। बॉईल करने के बाद आलूओं को एक एक करके छीलना है। ये हम आलू के पापड़ बना रहे हैं। ये सारे आलू हमने बॉईल कर दिए, अब इसे मैश किया जाएगा। इसके बाद इसमें थोड़ी थोड़े आलू जो है बच जाते हैं, तो इसलिए हम इसको मिक्सी में ना ग्राइंड करके गिलास से इसको मैश कर रहे हैं, ताकि इसमें बिल्कुल भी जो आलू की गुठलियां या गांठ जैसी ना रहे। ये आलू को मैश किया हमने, काफ़ी देर तक इसको सॉफ्ट किया। सॉफ्ट करने के बाद इसमें हल्का सा पानी रह जाता है, तो इसमें हमने बेसन मिलाना है। तो एक चम्मच इसमें बेसन डाल दो और इसको मिक्स करना है। इसको अच्छे से मिक्स कर दें। इसमें बेसन को जो है हमने हाथ से ही मैश किया। अब हमने इसमें हल्दी डालनी है थोड़ी सी। इसके बाद इसमें चौथा हिस्सा काली मिर्च, इसके बाद चौथा हिस्सा लाल मिर्ची पाउडर, इसके बाद नमक मिक्स कर दें और इन सबको अच्छे से मिक्स करें, बहुत अच्छे से। अब ये पूरा आलू का जो आटा है ये बिल्कुल तैयार हो गया, पापड़ बनाने के लिए रेडी है। इसमें जो भी हमने मिक्स किया उसको अच्छे से सॉफ्ट होने तक इसका आटा, इसका एक डो जैसा बनाया है। ये डो बिल्कुल तैयार है पापड़ बनाने के लिए। तो अभी हमने इसको छोटे छोटे इसके जो है पापड़ बना के धूप में रखने के लिए सुखाने के लिए रखने हैं। उसके बाद जो इनको जितने जितने बड़े हमने पापड़ बनाने हैं उसके एक राउंड शेप में इसके गोले गोले लड्डू के आकार के बना के रखने हैं और उसको उसमें बेलना है, चकले बेलने में बेलना है। इसके बाद पापड़ के लिए हमने एक सीट ली पॉलीथीन की और ये जो है चकला बेलना है। ये देखिए, ये चकला है, तो इसको जो है हमने चकले के ऊपर रख दिया सीट को, और सीट के ऊपर जो हमने ऑयल लगा दिया। ऑयल लगाने के बाद हमने राउंड जो है ये आलू के बनाए हुए थे गोले पेड़े जैसे, इसको हमने रख दिया। इसको हाथ से थोड़ा फैलाना है और दूसरी साइड तेल लगा के इसको फोल्ड कर देना है। जितना पतला हो सकता है उतना पतला करना है। देखिए कैसे पॉलीथीन के बीच में हम इसको घुमा रहे हैं और पतला कर रहे हैं। जितना फैला सकते हैं उतना फैलाना है। ये हमने इतना बड़ा इसको चपाती की तरह बिल्कुल पतला बेल लिया है। अब इसकी सीट खोलनी है। खोल दी सीट। खोलने के बाद हमारी अलग सीट थी, इसके ऊपर लाना है और इसको पलट कर धीरे धीरे जो है पॉलीथीन से निकाल देना है। ये उखाड़ देना है। ये आपका बिल्कुल पतली सीट वाला सूखना, तो ये सेकंड वाला। बस ऐसे ही हाथ से फैलाना है। अगर चाहो तो आप ये बेलन है पतला सा, इससे भी कर सकते हैं, बट हाथ से हो रहा है और पॉलीथीन की सीट है तो ईजिली हो जाता है। गोल गोल करना है और इसको धूप में सुखाना है। ये जो देखो स्वीट उखाड़ रहे हम, ये पूरा पापड़ तैयार हो गया। इसको लेना है हमने, अब दूसरी सीट में शिफ्ट कर देना है। इस सेकंड वाला पापड़, ये हमारे पास पॉलीथीन की सीट नहीं थी तो ये दूसरी सीट में रख दिया जिसमें प्रिंट था। तो ये पापड़ अब इसमें जो है एक दिन का पूरा धूप लगेगी और ये बिल्कुल तैयार है। उसके बाद आप डिब्बे में भर के और इसको फ्राई करके खा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।